दी। अरे तुम यहाँ बैठी हो, वेरी बैड। कितनी हसीन शाम है, रोमांटिक मौसम है, तुम्हें तो देव के साथ डिनर पे होना चाहिए था। अरे दी, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो देव को एक मिनट भी अकेला नहीं छोड़ती। शॉपिंग, क्लब्स, फिल्म्स, रेस्टोरेंट्स, डिस्कोस, हर जगह साथ ले जाती। बंद करो ये बकवास, हम दोनों को पता है कि तुम हमारे बीच। मामा प्लीज, शालू आज रहने दो ना, किसी और दिन फोन कर लूंगी। कुछ हुआ है क्या? आप दोनों चुप क्यों हैं? शालू तुम जानते, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो। मामा क्या हुआ दी? कुछ नहीं शालू, नथिंग। कुछ तो हुआ है मामा। बंद करो अपना ये ढोंग और खबरदार जो मुझे मामा कहा, क्योंकि मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। प्लीज मामा। नहीं निमी, आज इसे सुनने दो कि ये कौन है, इसकी असलियत क्या है। इसे भी पता चलना चाहिए कि कौन सा गंदा खून है इसके अंदर। आपको क्या हो गया है, क्यों आप मुझे इतनी कड़वी बातें सुना रहे हैं मामा? कहा ना मैं तुम्हारी मामा नहीं हूँ। क्यों ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि तुम्हारी मामा तो वो थी जिसने मेरी और निमी की जिंदगी में जहर भर दिया। मामा प्लीज, बहुत हो गया मामा, प्लीज शांत हो जाइए। चलो शालू तुम ऊपर चलो, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। चलो। रुक जा निमी, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। शालू तुम्हारे पापा ने मुझसे शादी की थी और निमी हमारी बेटी है और तुम्हारी माँ, पता नहीं वो दोनों कब साथ रहने लगे। क्या उस औरत का चरित्र होगा, कैसे संस्कार होंगे उसके, कैसे परिवार की रही होगी वो कि उसने एक शादीशुदा आदमी के साथ नाजायज संबंध जोड़े, उसी नाजायज संबंध की तुम नाजायज औलाद हो। शालू शालू मैं हूं ना, हकीकत जो भी हो हमेशा की तरह हम अभी भी एक हैं। नहीं निम्मी, 20 साल से मैंने ये दर्द अपने सीने में दबा के रखा, शेखर से किए हुए वादे की खातिर मैंने इसे अपना नाम दिया, अपनी बेटी की तरह माना और सारी दुनिया को भी यही बताया कि मेरी बेटी है। मैंने दूसरी शादी नहीं की ये सोचकर कि कहीं ये बीता हुआ कल फिर से हमारी खुशियां न छीन ले। इसे वो सब कुछ दिया जो तुम्हें दिया, जो भी तुम्हारे लिए किया वो इसके लिए भी किया, जबकि जबकि इसका मेरी नजरों के सामने होना हमेशा मेरा जख्म भरने से रोकता रहा। शालू 20 साल पहले तुम्हारी माँ ने मेरी जिंदगी की सारी खुशियां छीन ली थी और आज तुम वही मेरी बेटी के साथ करने जा रही हो। नहीं नहीं शालू, मैं तुम्हें अपनी कोशिश में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। बस मामा हो गया, निकाल लिया आपने अपना 20 साल पुराना जहर, कि और भी कुछ बाकी है? चलो शालू। शालू सच सच बताओ कि तुम देव के साथ उस घर में क्या कर रही थी, क्या रिश्ता है तुम्हारे देव के साथ? मामा प्लीज इस बात को मत छेड़ो। क्यों ना छेड़ू, जरूर छेड़ूंगी, तुम्हें अगर नहीं सुना तो मत सुनो, लेकिन मैं आज इस बात का फैसला करके ही रहूंगी। मामा प्लीज। निमी तुम अपने कमरे में जाओ। शालू मेरी परवरिश में ऐसी क्या कमी रह गई जो तुमने अपनी बहन के साथ ऐसे किया, वो बहन जो तुमसे इतना प्यार करती है, हमेशा तुम्हारी तरफदारी करती है, तुम पर अपनी जान छिड़कती है, तुमने ऐसा क्यों किया शालू? नहीं मामा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती, मैं दी से बहुत प्यार करती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ है। झूठ, सरासर झूठ। एक बात अच्छी तरह समझ लो शालू, देव और निमी की शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, तुम कभी कामयाब नहीं हो सकती। आप सब गलत समझ रही हो मामा, मैं तुम्हें थोड़ा वक्त जरूर लगेगा मुझे मामा न कहने में, मगर तुम चाहो या ना चाहो मैं तुम्हारी मामा हूं। जब तक देव और निमी की शादी नहीं हो जाती उसके बाद तुम्हारी किस्मत खुद तुम्हारा फैसला कर ही लेगी।